कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे बंदो, जब तुम्हें कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, किसी से बचना हो, कोई दुख हो, तो तुम्हारा वास्ता एक ऐसी जात से है जिसे कोई ऊंग नहीं, नींद नहीं, ज़ौब नहीं, बुढ़ापा नहीं, परेशानी नहीं, बाप कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, देने के लिए किसी से लेना नहीं पड़ता। तुम उससे मांगो। अल्लाह से मांगने के अमल को दुआ कहते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। तिर्मिज़ी की रिवायत में है, दुआ मांगने वाला अमल बड़ी अजमत वाला अमल है। दुआ मांगने से ज़्यादा कोई अमल अल्लाह के नज़दीक अजमत वाला अमल नहीं है। ये बहुत अजमत वाला अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ तकदीर बदल सकती है। अगर कोई चीज़ तकदीर बदल सकती है तो वो दुआ है। कितनी अफजल चीज़ है ना दुआ, हम सब कर सकते हैं। दुआ नाजिल शुदा और गैर नाजिल शुदा तमाम आफातों बलाओं का हल है। जो आफात नाजिल हो गई हैं और जो नाजिल नहीं हुई हैं, सबका हल दुआ है। ये अल्लाह के बंदो, दुआ करो बहुत खुशु खुजू और मुकम्मल यकीन के साथ दुआ करो। और याद रखो, अल्लाह गाफिल और बेध्यानी वाली दुआ नहीं सुनता। के ध्यान बटा हुआ है, जहन कहीं है और होंठ हिलाकर बस रट्टा मार रहे हो, दुआ कैफियत का नाम है। अगर पूरे ध्यान और तवज्जो से अल्लाह के आगे बैठेंगे दुआ के लिए, तो होंठ नहीं भी हिलेंगे, दिल ही दिल में मांगेंगे तो भी वो सुनेगा। और दुआ के आदाब में ये अदब भी है। दुआ मांगने से कबल अपने गुनाहों का एतराफ़ करो, इकरार करो अल्लाह के आगे अपने गुनाहों का कि मैं ख़ताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन तू मेरा रब है, मुझे यकीन है मेरी ख़ताओं और गुनाहों के बावजूद तू मेरी दुआ सुनेगा। अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, फिर अपनी हाजत अल्लाह से बयान करें। दुआ करने के बाद आमीन कहें, क्योंकि फरिश्ते भी दुआ के बाद आमीन कहते हैं। तौबा करने वाले की दुआ दिन हो या रात, जब भी दुआ करता है कबूल होती है। तौबा कबूल होती है, उसकी दुआ कबूल होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुआ इबादत की जान है। ज़मीनों का भी नूर है, आसमानों का भी नूर है। अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा इस बात को पसंद करता है कि मेरा बंदा मेरे हुजूर दुआ करे। एक हदीस में है कि जो शख्स खुशहाली के दिनों में दुआ करता है, अल्लाह ताला तंगी के दिनों में उसे याद रखता है। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ रब से गुफ्तगू है। हर आदमी कभी न कभी किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला होता है, परेशानियों में घिर जाता है। जब उसके दुनियावी सहारे रूठ जाएं, टूट जाएं, एक सहारा ऐसा बाकी है कि अगर वो इस सहारे को पकड़ ले, उसे अपना ले, तो उसे सुकून मिलेगा। उससे दुआ करे, उससे रुजू करे। दुआ कैफियत का नाम है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो उमरे पर जा रहे थे, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं उमरे पर जा रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर मुझे भी दुआ में याद रखना। तो एक दूसरे को दुआ का कहना, दुआ में याद रखना मसनून है। लेकिन वो जो कहते हैं ना, मेरे लिए ख़ास दुआ करें, ख़ास दुआ वो होती है जो आप अपने लिए तड़प कर करते हैं, ख़ास दुआ वो होती है जो तड़प के मांगी जाती है, सीधी जाती है, कबूल होती है। कुछ लोग कहते हैं अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता, ये नहीं कहना चाहिए। वो सुनता है, सबकी सुनता है। कबूलियत की शक्लें अलग अलग होती हैं। कभी वही चीज़ दे देता है, कभी हमारे लिए वो चीज़ मुनासिब नहीं होती तो कोई और चीज़ दे देता है, कभी उसके बदले में कोई मुसीबत टाल देता है और कभी उसको स्टोर कर लेता है अपने पास। और आखिरत में जब बंदे या बंदी आएंगे उसके पास, तो अल्लाह कहेगा, तूने ये दुआ मांगी कबूल कर ली, ये दुआ मांगी बदले में ये दे दिया, ये दुआ मांगी इसके बदले में मुसीबत टाल दी, ये दुआ मांगी उसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया, अब हम तुम्हें देते हैं। जब वो देखेगा इस दुआ के बदले में इनाम, तो वो कहेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती, सब कुछ मुझे यही मिल जाता। कुछ लोगों की दुआएं जो कबूल ना होने की वजह है और जो रुकावट है उनकी दुआ में कबूल होने के बीच में, तो उनका दिल कीना से भरा हुआ होता है, बुग़ज़ से भरा हुआ होता है, हसद से भरा हुआ होता है। तो ये चीज़ें
दुआ के बीच में हायल हो जाती हैं। एक आदमी का रिस्क हराम है तो ये चीज़ भी उसकी दुआ के बीच में हायल हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो तड़प के मांगेगा तो भी एक दिन अल्लाह ज़रूर कबूल कर लेता है उसकी तड़प के सदक़े में। तड़प के मांगने वाले को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो दुआ की कैफियत बनाए तड़प के मांगने वाली। दुआ तो अल्लाह की ताकत को साथ लेने का अमल है कि या अल्लाह जहाँ मैं बेबस हूँ ये अल्लाह तो अपनी कुदरत को जाहिर फरमा। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ रब से गुफ्तगू है, दुआ मुसीबत से बचाती है, दुआ रास्ता दिखाती है, दुआ परेशानी से निकालती है, दुआ आसमान का नूर है, दुआ आजी सिखाती है, दुआ रब को राज़ी रखती है और उसकी खुशनौदी का ज़रिया है, दुआ रब को मनाने का ज़रिया है, दुआ दुखी दिल को सकून कल्ब देती है। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें ज़रूर देते रहा करें और हमारे वीडियो को शेयर किया करें।